हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक का सीसी क्लास में। चलिए आज करना है द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे, उसके बाद करेंगे आपको एक पारा जंबल करना है और वर्ड करना है, ठीक है। तो पहले कर लेते हैं द हिंदू का एडिटोरियल, उसके बाद कर लेते हैं पारा जंबल और ये वर्ड। चलिए, लोकल सेंटीमेंट। अब लोकल सेंटीमेंट मतलब लोकल का मूड, जो लोकल निवासी जो रह रहे हैं वहाँ का उनका कैसा मूड है वही कह रहे हैं। ऑन, देखिए भी फोर आया नहीं, प्रोनाउन आया नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब 100% क्या आएगा, नाउन। लद्दाख, अब देखो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल इलेक्शन। अब लास्ट वाला वर्ड क्या हो जाता है, नाउन, उससे पहले क्या हो जाएगा, एडजेक्ट। द सेंटर, अब यही हो जाएगा सब्जेक्ट, आर्टिकल द है तो 100% क्या आएगा, नाउन। मस्ट, मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मस्ट इज, ये हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा मेन वर्ब, ठीक है। मस्ट हीड, अब हीड है, अब यहाँ पे एडवर्ब डाल सकते हो ना, तो बोलेंगे बिल्कुल डाल सकते हैं। हीड मतलब सोचना विचारना, अब ये हीड ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। होता कौन, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे बताइए क्या है, तो बोलेंगे सर आर्टिकल द है तो नाउन ही होगा, 100% ये नाउन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। पॉलिटिकल मैसेज, मस्ट हीड मतलब सोचना अवश्य सोचना विचारना चाहिए, जो राजनीति मैसेज है। ऑफ, ऑफ के बाद देखिए भी फोर नहीं, प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, यही नाउन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा हुआ। फिर इन, भी फोर नहीं प्रोनाउन नहीं तो यहाँ। ऑफ वोटर, वोटर का राजनीतिक मैसेज कारगिल में, चलो हो गया ना। चलिए अब इसको ये करो, बहुत अच्छा आर्टिकल है, देखो सबसे पहले फुल स्टॉप खोजिए कहाँ पे है, यहाँ पे है आपका फुल स्टॉप। अब इसमें क्या होगा, तो एक सब्जेक्ट होगा सर, एक वर्ब होगा, ट्रांजिटिव नेचर का हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट ले लेगा, ठीक है। प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। कंजंक्शन हो सकता है जो दो वर्ड को जोड़े, कंजंक्शन हो सकता है जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब को जोड़े, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, तो आप पता कीजिए क्या होगा। चलो अब चलो पहले खुद से कर लो, ठीक है, रोक के चलो। द आर्टिकल आ गया, द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस अलायंस, अब ये अलायंस ही नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, याद रखना पार्टी के नाम के पहले द लगता है। अलायंस हैज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो भी सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब सिंगुलर, हैज के बाद क्या आता है, वी थ्री या नाउन, यहाँ पे क्या आया, तो बोलेंगे सर भी। हैज पुल्ड ऑफ, पुल्ड ऑफ मतलब होता है सक्सेसफुल होना, ठीक है। ए थम्पिंग विक्ट्री, पुल्ड ऑफ मतलब एक उनको क्या मिला है, एक थम्पिंग बहुत ही जोरदार विजय मिला है, ठीक है। अब ये पुल्ड ऑफ ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। होता कौन, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या आएगा, नाउन क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। यही नाउन क्यों हुआ सर, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो ये एडजेक्टिव। थम्पिंग विक्ट्री, बहुत ही जोरदार शानदार क्या होगा, विक्ट्री। इन, अब इन के बाद देखो कहाँ पे नाउन है, इन इलेक्शन, इन के बाद यही मेन वर्ड है ना, नाउन, ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव, ठीक है। ब्लंटिंग, अब बताना है यहाँ पे ब्लंटिंग क्या है, क्या ये वी फोर है, तो सर ई जा रहा है वाज वेयर तो है ही नहीं, वी वर्ब है ही नहीं, नहीं। चलो जेरंड है तो जेरंड वाला कंसेप्ट लगा दो, पांच सब्जेक्ट बनाओ पहले, जेरंड मतलब नाउन सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट बना दिए तो क्या यहाँ पे कोई वर्ब है, यहाँ तक में कोई वर्ब है इसका, बोलेंगे सर इसका वर्ब नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट, क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है, तो बोलेंगे नहीं इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्या इससे पहले प्रीपोजिशन है, नहीं। पोसेसिव एडजेक्टिव है, नहीं। नाउन का पोसेशन है नाउन पे, नहीं, तो इसका मतलब जेरंड ना हो के क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ब्लंटिंग, जो कि ब्लंटिंग मतलब धार को कम करना, मंद करना, मंद कर रहा है तो किसको, अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, ठीक है।
ऐसे एडजेक्टिव तो ऑब्जेक्ट लेगा नहीं, लेकिन उसमें वर्ब का प्रॉपर्टी है तो ऑब्जेक्ट ले बैठा। ब्लंटिंग द इफेक्ट मतलब उस प्रयास को क्या कर रहा है, मंद कर रहा है। पुट इन बाय, बाई है तो पुट इन भीतरी होगा, होगा क्या तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव, वर्ब नहीं होगा। अगर वर्ब होता तो हैज हैव या बी वर्ब होता। पुट इन बाय भारतीय जनता पार्टी, किसके द्वारा रखा गया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ओवर फोर ईयर्स चार, लगभग चार सालों से। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू एक्सपेंड बढ़ाने के लिए, तो क्या बढ़ाने के लिए, इट्स बेस। अब देखो इन्फिनिटिव है तो बोलेंगे सर बिल्कुल है। अब इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, नाउन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है पोसेसिव एडजेक्टिव। बात समझ में आया। इन कारगिल, कारगिल में, सिंस, अब सिंस के बाद जब भी आएगा ना तो सब्जेक्ट प्लस वी टू ही आएगा। क्यों, क्योंकि सिंस के बाद जब भी वर्ड आता है, जैसे कहते हैं ना सिंस यस्टरडे, क्या बोल दिए, कल से, मतलब इसके बाद जो वर्ड आया वो किस में रहता है, पास्ट में। तो जब वर्ड पास्ट में है तो क्या सेंटेंस भी क्या रहेगा, पास्ट में। तो इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, वी टू, और इससे पहले हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंस इट केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ सेंटर इन, देखो यहाँ पे है ना 2019 में, सेंटर के डायरेक्ट रूल के अधीन, जब से यह आया था सेंटर के डायरेक्ट रूल के अधीन। सिंस के बाद वी टू, और सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस याद रखिएगा। वी टू क्यों होता है बता दिए, क्योंकि इसके बाद जो वर्ड होगा वो होगा इस पास्ट में, तो वर्ड पास्ट में, तो सेंटेंस भी किस में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। सिंस फॉर्म में कब लगता है, तो कोई काम क्या है बहुत दिनों से चल रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाओ, अगर पास्ट है तो हैड लगाओ। चलो याद रखिएगा सिंस का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार। दिस वाज, अब दिस का डिस्क्रिप्शन होगा। अब बताइए दिस जो है प्रोनाउन की एडजेक्टिव, तो सर एडजेक्टिव नहीं है, प्रोनाउन है क्योंकि सब्जेक्ट है। दिस वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट था। मेड क्या हो जाएगा, भीतरी, लेकिन है एडजेक्टिव। भीतरी दो काम करता है ना, एडजेक्टिव बनना और वर्ब बनना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। वर्ब रहता तो उससे पहले हैव वर्ब या बी वर्ब होता। मेड बाय कारगिल इलेक्ट्रेट, अब किसके द्वारा बना, बनाया गया है, कारगिल इलेक्टेड, हमेशा याद रखिएगा ये प्लुरल होता है, कारगिल के इलेक्टेड मतदाता के द्वारा। आफ्टर 2019 के बाद, लद्दाख, अब क्या बोल रहा है ये लद्दाख, कंप्राइजिंग, कंप्राइजिंग मतलब जिसमें क्या है शामिल है, मुस्लिम मेजोरिटी कारगिल एंड बुद्धिस्ट मेजोरिटी लेह डिस्ट्रिक्ट। वाच, अब ये यहाँ आ गया लद्दाख के लिए, ठीक है। गारंटेड V3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, ठीक है। अब V3 हो जाएगा तो एक्टिव की पैसिव, पैसिव हो जाएगा। गारंट किया गया, उसको मंजूर दिया गया था, क्या, यूटी, यूनियन टेरेटरी। अब देखो ये क्या है, पैसिव वॉइस कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेती, लेकिन ये है डाई ट्रांजिटिव, तो एक ऑब्जेक्ट क्या कर देगा, छोड़ देगा, तो यहीं पे रह गया। स्टेटस क्या, यूनियन टेरेटरी का स्टेटस। एज, अब देखिए एज कंजंक्शन की प्रीपोजिशन, अब यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब है तो कंजंक्शन हो जाएगा। एज क्या बताएगा, तो बोलेंगे सर रीजन बताएगा, एज बिकॉज। जैसे कि सेंटर डिसाइड किया था टू एंड, समाप्त करने के लिए। अब है इन्फिनिटिव, वर्ब का प्रॉपर्टी है तो क्या ले बैठेगा, ऑब्जेक्ट। द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल ये पोजिशन, अब ऑब्जेक्ट में क्या है, तो सर नाउन है, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है, तो ये नाउन हो जाएगा। सर यही क्यों नाउन, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव, क्यों एल लगा हुआ है, क्यों एडजेक्टिव एल लगा हुआ, ठीक है। ऑफ द ईस्टर्न वाइल्ड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में। एंड स्प्लिट इट, अब देखो एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर डिसाइडेड को और स्प्लिट को, दोनों का सब्जेक्ट कौन, तो सेंटर, ठीक है। इनटू टू यूनियन टेरेटरीज ऑन अगस्त, अब जब डेट दे दे ना, तो डेट दे दे तो क्या हो जाएगा, ऑन अगस्त 5, 2000, ऐसे अगर रहे तो 2000 क्लोज टेस्ट में कभी कभी क्या है आ जाता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द बीजेपी, अब देखो पार्टी का नाम है तो बोलेंगे है, तो
तो इसमें क्या लग गया, द लग गया। द बीजेपी हैड ओन, जीता था, क्या जीता था, लद्दाख और हिल डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन इन 2020 में। पार्टी इन जम्मू कश्मीर हैव, पार्टी के साथ क्या हैव, हैव के बाद क्या है, V3, कॉल्ड फॉर मतलब डिमांड की करना, याद रखिएगा, कॉल फॉर मतलब डिमांड करना। अर्ली इलेक्शन, क्या डिमांड किया था, इलेक्शन जब होना है उससे पहले ही हो जाए, ठीक है। इन द UT यूनियन टेरिटरी 2, उसमें भी, अब उसमें भी इसका मतलब है कुछ तो कुछ उससे पहले भी होगा। इन कारगिल, NC ओन कारगिल में क्या हो गया, ये जो पार्टी है कितना, 12 सीट लाई थी, कांग्रेस 10, इन द इतना काउंसिल वाइल, जबकि बीजेपी हैड टू पी कंटेन, हैड के बाद बी के बाद क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, विथ टू, कंटेंट विथ मतलब होता है संतुष्ट होना, कंटेंट विथ मतलब क्या होता है, संतुष्ट होना पड़ा उसको कितना से, तो बोलेंगे 2 से, ठीक है। द इलेक्शन सॉ इतना टर्नआउट, टर्नआउट मतलब जितना नंबर ऑफ वोट जो डाला गया है, ठीक है। विथ है सिग्निफिकेंट, विथ अब ए आया तो नाउन ढूंढो, ये हो जाएगा, सर यही क्यों नाउन ले लिए बैठे, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव होगा, ANT लगा हो एडजेक्टिव। विथ ए सिग्निफिकेंट सेक्शन मतलब बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है ऑफ द माइग्रेंट लोकल पॉपुलेशन, माइग्रेंट मतलब एक जगह से क्या है दूसरे जगह, हु अब किसके लिए आ जाएगा, लोकल के लिए, वर्क एंड स्टडी, एंड किसको जोड़ रहा है, तो वर्क को, स्टडी को, ठीक है। इन पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के हिस्सों में, बहुत अलग अलग जाके पढ़ते हैं। रिटर्निंग, अब रिटर्निंग क्या हो जाएगा, फिर से देख लेना एडजेक्टिव, रिटर्न किए टू कास्ट, कास्ट मतलब वोट डालना, दियर वॉलेट अपना वोट देने के लिए। इट इज ए रिफ्लेक्शन, अब इट इज, अब ए है, अब इज देखो बी वर्ब है तो बोलेंगे सर यस, बी वर्ब है तो क्या आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, V3 V4 क्या आया है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा नाउन, क्यों, क्योंकि अटकी लगा। इट इज अ रिफ्लेक्शन, क्या है, रिफ्लेक्शन है, अब इट क्या बताता है, इट का डिस्क्रिप्शन ऊपर है, सब लोग आ गए हैं। हाउ सीरियसली, अब देखो सीरियसली यहाँ पे वर्ड आया ना, अब ये जोर किस पे देगा, किसको मॉडिफाई करेगा, तो एड ये वर्ब को करेगा। हाउ सीरियस रहता तो एडजेक्टिव रहता, किसको मॉडिफाई करता, किसको डिस्क्राइब करता, नाउन प्रोनाउन। दीज पोल्स वेयर व्यूड, देखो इसी के लिए आया, कितना सीरियसली मतलब कितना ये सीरियस वे में इस पोल को, दीज पोल, देखो दीज का भी डिस्क्रिप्शन होगा, दीज के बाद नाउन क्या होगा, प्लुरल होगा, वेयर व्यू देखा जाता है बाय द लोकल इलेक्ट्रेट, लोकल इलेक्ट्रेट के लिए। अब देखो ये बात समझ ली, हाउ सीरियसली एडवर्ब है, मॉडिफाई किसको करेगा, वर्ब को, यही हाउ सीरियस रहता तो किसकी विशेषता बताता, नाउन प्रोनाउन की, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सीन्स वाला ये। कारगिल हैज टोटल इतना रजिस्टर्ड वोट, ऑफ है रजिस्टर्ड, अब ये एडजेक्टिव हो जाएगा ना, तो कौन सा एडजेक्टिव, रजिस्टर्ड किया हुआ वोट। स्प्रीड जो कि फैला है, स्पर्सली, स्पर्सली मतलब कोई इधर तितर बितर, तितर बितर, ठीक है, स्पर्सली क्या हो जाएगा, एडवर्ब, किस पे जोर दे रहा है, तो ये स्प्रीड पे, इन द माउंटेन, माउंटेन में। चलिए अगला देख लेते हैं, ठीक है, सेशन अच्छा लगे तो अच्छे से क्या करो, पढ़ो, सारा कंसेप्ट इसमें क्या है करवा दे रहे हैं, और खुद से प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए, जरूरी नहीं कि एडिटोरियल आएगा तभी पढ़ेंगे, पहले खुद से पढ़ो, सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालो, मीनिंग निकालने का कोशिश करो, ना आए गूगल में देखो, जहाँ देखना है देखो, खुद से करने का प्रैक्टिस कीजिए, रिलेट करने का प्रैक्टिस कीजिए, जो प्रोनाउन आ जाए उसका डिस्क्रिप्शन देखो, देखिए कैसे अंडरस्टैंडिंग क्या है, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। टीचर पे डिपेंड नहीं रहना है, जब तक खुद पे डिपेंड नहीं रहोगे सिलेक्शन कभी नहीं होगा। इन द लास्ट 4 ईयर, लास्ट लगाया, ऑर्डिनल है द लगाएगा, ठीक है, 4 है तो नाउन क्या रहेगा, प्लुरल। बुद्धिस्ट एंड सिया मुस्लिम, बुद्धिस्ट हैव के बाद क्या है, V3, ये है वो हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, और ये हो जाएगा एड वर्ब। तो बुद्धिस्ट एंड सिया मुस्लिम हैव ज्वाइंटली प्रोटेस्ट, मतलब दोनों मिल के क्या किए, विरोध किए हैं, प्रेजेंट की बात है, फॉर स्पेशल स्टेटस के लिए, फॉर के बाद देख लो क्या आया, फॉर लद्दाख के लिए, अंडर 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के तहत,
टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये है इन्फिनिटी वर्ब का प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव नेचर, क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, लैंड, कल्चर, जॉब, लैंग्वेज एंड इन्वायरमेंट को, ठीक है। डिमांड्स, अब यही सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल, तो वर्ब क्या लेगा, प्लुरल। फॉर रीयूनिफिकेशन, रीयूनिफिकेशन फिर से क्या कर दे, जोर दे, विथ जे के और फुल स्टेट हु, फुट पूरा स्वतंत्रता मिले, फॉर लद्दाख के लिए परसिस्ट, यही है। देखो यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है तो बोलेंगे हाँ सर सेंटेंस है, सेंटेंस है मतलब एक सब्जेक्ट वर्ब होगा, बोलेंगे हाँ सर सब्जेक्ट वर्ब होगा, तो ये सब्जेक्ट हो गया ये। तो परसिस्ट मतलब व्यापक होना, प्रजेंट होना, प्रिवेलेंट होना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द बीजेपी हैड होप, आशा किया था, टू बाइडेन, टू के बाइडेन बढ़ाने के लिए, तो क्या बढ़ाने के लिए, इट्स बेस इन कारगिल, कहाँ पे कारगिल, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेवलपमेंट, अपने डेवलपमेंट के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यही ना नाउन हो जाएगा, ये ऑफ है तो ऑफ के बाद क्या आया, वी फॉर, नहीं प्रोनाउन, नहीं तो नाउन, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव तो 100% नाउन, ठीक है। एस्पेशली, खासकर, द एक्सपेंशन ऑफ रोड वर्क, रोड वर्क का एक्सपेंशन, विस्तार, न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिजर्विंग लोअर रंग जॉब ओनली फॉर लोकल, द एनसी सॉ दीज इलेक्शन, देखा था क्या दीज, देखो दीज का डिस्क्रिप्शन है, ये सब इलेक्शन हो रहा है, आइए नाम क्या रहेगा, प्लुरल, एज ए रेफरेंडम, एक जनमत के रूप में, अब एज प्रीपोजिशन हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट लग रहा है, ऑन द 19 रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेके के 2019 के रिकॉग्नाइजेशन पर, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हु, किसके लिए ये आया, सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर, वी टू पर असर नहीं पड़ता, टूर लद्दाख, टूर कर गए लद्दाख ऑन ए बाइक, बाइक से ही चले गए, फॉर ओवर ए वीक, ओवर मतलब लगभग, याद रखना लगभग एक वीक, इन अगस्त, कब अगस्त में, कब दिस ईयर, बिकेम, अब ये पोजीशन किसका है, सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट का है तो क्या लेगा, वर्ब तो लेगा ना, बिकेम द फर्स्ट सीनियर लीडर, पहले सीनियर लीडर हुए, फ्रॉम द पार्टी टू थ्रो हिज वेट, मतलब अपना वेटेज देना, बिहाइंड द डिमांड ऑफ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, किसके पीछे, तो जो KDA के डिमांड है उसके पीछे अपना क्या जोरदार दिए हैं, एंड एमलगम, एक मिश्रण ऑफ वेरियस सोशल पॉलिटिकल रीजनल ग्रुप, ऑफ के बाद देखो तो नाउन है, चूंकि वेरियस लगा हुआ है बहुत सारे तो नाउन क्या रहेगा, पूरा, फॉर ए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑन लैंड जॉब एंड ए सेपरेट लोकसभा सीट फॉर कारगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए, लेह कारगिल टुगेदर फॉर्म, बनाता है, एक साथ बनाता है लोकसभा सीट, वन लोकसभा सीट मतलब एक कम से कम लोकसभा सीट होना चाहिए, द लार्जर मैसेज सेंड बाय द वोटर, अब वी थ्री हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि ना हैव वर्ब है ना वी वर्ब, बाय द वोटर इन कारगिल टू बीजेपी इज, अब देखो यही मैसेज के लिए है ना आया इज, अब ये दो वर्ब को जोड़ने के लिए कंजंक्शन भी क्या है, नहीं है, दैट है की कंजंक्शन तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, द फाइनल स्टेटस ऑफ लद्दाख का जो फाइनल स्टेटस है, रिमेन, अब रिमेन ऐसा वर्ड है जो कि क्या है एडवर्ब ना लेके क्या लेता है एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे क्या है नाउन लिया है, एडजेक्टिव ले, प्रोनाउन ले, नाउन ले, एन इमोटिव इशू मतलब इमोशनल करने वाला इशू है, ऑल्सो साथ ही डिवलपमेंट पुश द, तो यहाँ पे नाउन, ये एडजेक्टिव, विदाउट स्पेशल प्रोटेक्शन, बिना किसी स्पेशल प्रोटेक्शन के, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन के, एंड एन इलेक्टेड असेंबली, और इलेक्टेड मे नॉट, मे के बाद वर्ब का फर्स्ट, एश्योर्स मतलब शांत, सांत्वना देना, शांत करना, द सेंटीमेंट ऑफ लोकल इन द रीजन, रीजन में जो लोकल है उनके सेंटीमेंट को क्या है शांत नहीं कर सकता। चलिए चलो अब है कैसा क्या कर ले,
चलिए देखो क्लोज टेस्ट है ये, सॉरी पारा जंबल है। इन चाइना, चाइना में थाउजेंड ऑफ पीपुल सेलिब्रेटेड इट। अब इट का कोई डिस्क्रिप्शन तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो ये स्टार्टर नहीं बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द लूनर न्यू ईयर ऑफ द पिग बिगैन ऑन इतना। अब ये हो सकता है जो लूनर न्यू ईयर पिग का है वो क्या शुरू होता है, देखो डेट है तो क्या लगाएंगे ऑन, ठीक है। अदर, चलो बी हो सकता है अदर, अब अदर मतलब दूसरा, सी, सी वाला तो होगा नहीं, सी ऐसे सम परफॉर्मर, कुछ परफॉर्मर। अब कुछ परफॉर्मर मतलब कोई तो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए इसका, ये भी क्या होगा नहीं होगा, तो आपका स्टार्टर क्या हो जाएगा बी, द लूनर न्यू ईयर ऑफ द पिग सेलिब्रेट। अब देखो सम परफॉर्मर ऐसा कुछ होना चाहिए जो, देखो सबसे पहले डी आना चाहिए, डी से सी से पहले क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, क्यों, सम परफॉर्मर एंड अदर, ठीक है अदर, तो पहले कुछ परफॉर्मर देगा उसके बाद ही ना अदर पे जाएगा, तो डी और क्या है सी, अब दोनों में है डी सी, ए का पोजीशन गड़बड़ है तो ये पहले क्या कर ले, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ये कर देंगे बी, उसके बाद क्या है इन चाइना थाउजेंड सेलिब्रेट, अब पीपुल की बात करेगा तब ना यहाँ पे सम परफॉर्मर आएगा, ए डी सी, सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि पहले डी होगा तभी सी होगा, क्यों, क्योंकि सब पहले सम परफॉर्मर आएगा फिर उसके बाद क्या आएगा अदर्स आएगा, ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे। चलो चेओटिक क्या है, ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, ठीक है, कंप्लीट कंफ्यूजन एंड चिवैलरी, तो क्या हो जाए करेजनेस, चिवैलरी मतलब करेजनेस, चोक, चोक मतलब क्या हो जाएगा सेवरल डिफिकल्टीज इन ब्रेथिंग, ब्रेथ सांस लेने में बहुत ज़्यादा, क्रोनिकल याद रखना, परसिस्टिंग, देखो परसिस्ट वर्ड आ गया ना, बहुत दिन से व्यापक होना, क्रोनिकल याद रखना, क्लैप एंड इम्ब्रेस क्या हो जाएगा इम्ब्रेस, पकड़ना जगड़ना, क्लिंच, क्लिंच मतलब ग्रैप पा लेना कोई चीज़, कोलैप्स तो क्या हो जाएगा गिर जाना, कमेंस शुरू करना, कमेंसमेंट शुरू करना, कमेंसिंग बिगनिंग, कोमोशन नॉइजी डिस्टर्बेंस याद रखना, कोमोशन मतलब नॉइजी और डिस्टर्बेंस, कम्प्लेक्सिटी तो कम्प्लेक्सिटी मतलब कॉम्प्लिकेटेड, कंप्लायंस कोई चीज़ को मानना, आज्ञा को क्या है मानना, कंसील तो कंसील मतलब छिपा लेना, हाइड कर लेना, कीप फ्रॉम कंसीलमेंट तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाइड कर लेना, कंसील छिपा लेना, कंसीलमेंट, कंसीटेड प्राउड ऑफ वन सेल्फ अपने आप पर क्या घमंड करना, कंक्लूड, कंक्लूड हो गया कि अब क्या समाप्त हो जाएगा, कंक्लूसिव निर्णायक, कंक्योर एग्री, कन्फेशन, कन्फेशन होता है कि अपना गलती क्या है स्वीकार कर लेना, कन्फिस्केट सीज जब्त कर लेना, ठीक है, कन्फर्मिटी कंप्लायंस विथ स्टैंडर्ड रूल और लॉ, जो भी लॉ है उसको कंप्लायंस करना, कंसिस्टेंसियल वेरी केयरफुल, कंसेक्रेशन ए रिलीजियस सेरेमनी, कंसेंसस जनरल एग्रीमेंट याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट, कंसेंसस जनरल एग्रीमेंट, कंसीडरेबल विचार करने योग, कंसोलिडेटेड कंबाइंड यूनाइटेड, कंसोलिंग गिविंग सोलोस मतलब क्या हो जाएगा, हाँ सुलो ये भी इम्पोर्टेंट है, कंसोलिंग सुलो सांत्वना देना, ठीक है, कंटेनमेंट अब इम्प्योर कर लेना, कंटेम अब आज्ञा कर देना, याद रखिएगा ये और ये वाला सब क्या है इम्पोर्टेंट है, कंटेंट ठीक है पीसफुल हैप्पीनेस, ठीक है, कंटेंडेड हैप्पी एट ईजी, कॉन्ट्रैक्ट ये तो जानते ही होंगे, कंट्रास्ट यही याद रखना है, कंट्रास्ट डिफर याद रखिए, कंट्रोवर्सियल ठीक है मतलब विवाद, कंट्रोवर्ट डिनाय द ट्रूथ, कंट्रोवर्ट मतलब जो सही है उसको डिनाय कर देना, डिनाय मतलब रिजेक्ट करना, कन्वर्सेंस रिकवरी फ्रॉम इलनेस, कन्वर्जेंस कम टुगेदर, आ कन्विक्टेड फाउंड गिल्टी, कन्विक्टेड मतलब फाउंड गिल्टी, कन्वर्जेंस मतलब क्या है
कम टुगेदर, नदी जो एक साथ क्या है आ जाती है, कंट्रोवर्ट, डिनाई द ट्रूथ, कंट्रोवर्सियल, कंट्रास्ट, क्या है कॉन्ट्रेक्ट, कंटेंडेड, हैप्पी होना, कंटेन हैप्पी, कंटेम्प्ट, अवज्ञा करना, याद रखना, कंटेमिनेट, ठीक है, पोल्यूट करना, कंसोलिंग, सोलेस, याद रखिएगा, कंसोलिडेटेड, ठीक है, कंसीडरेबल, कंसेसेस, कंसेशन, कन्फिस्केट मतलब क्या सीज कर लेना, कनकोर, एग्री, कंक्लूड, ठीक है, कन्फर्मिटी, कंप्लायंस, कंसील, कोमोशन, ठीक है, कमेंसमेंट, कोलैप्स, कन्फिस्केट, चेओटिक क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, चिवेलरी, करेजनेस, चोक, कॉज समथिंग के सांस नहीं ले सकते, परसिस्टेंट और क्या है क्रोनिकल, क्लैप्स, इन्वेंस, क्लिंच, कोई चीज पाना, ठीक है, क्लैप्स, फॉलिंग, कमेंस, ठीक है, कंप्लायंस, कंसी। चलिए आज का कार्यक्रम क्या है यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, फिर अगले सत्संग में मिलेंगे, हाँ।